हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल लाइफ दुनिया। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैरी और चने का अचार कैसे बनाते हैं। हम इसमें छोले भी ले सकते हैं, सफ़ेद वाले या फिर काले वाले चने होते हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं। उससे बहुत अच्छा और टेस्टी अचार बनता है। तो ये हमने बाग से पहले कैरियाँ तोड़ ली और अब इनको हम काट लेंगे छोटे छोटे पीस में। और जो इसमें गुट्टी है उसको हमने निकाल दिया है। और ये देखिए, इनको हमने छोटे छोटे पार्ट में काट के ना एक बाल्टी में डाल लिया है। तो आप प्लास्टिक की बाल्टी ले सकते हैं या फिर कोई कांच का बर्तन या बर्नी ले सकते हैं। हमने ये प्लास्टिक की बाल्टी ली है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले, क्योंकि हमें बिना तेल का अचार डालना है, इसलिए इसको इसमें नमक हम पहले ही डाल देंगे ताकि नमक पानी पहले ही छोड़ दे। नहीं तो बाद में डालने से नमक पानी छोड़ देता है और फिर उससे अचार खराब होने लगता है। ये हमने 2.5 किलो कैरी ली थी और इसके अंदर 2 बड़े चम्मच नमक डाल दिया। ये लगभग 150 ग्राम होएगा। तो 2.5 किलो कैरी में लगभग 150 ग्राम नमक डाल देंगे। ये हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके इसमें हम हल्दी डालेंगे ताकि ये अच्छे से कलर आ जाए। तो इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दी है और अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। इसके अंदर अब छोले भी हम डाल देंगे ताकि छोले इसमें नमक का पानी पीकर फूल जाएंगे और अच्छे से गल जाएंगे। तो ये देखिए, हमने 1 कटोरी छोले ले लिए। ये लगभग 200 से 250 ग्राम छोले हैं। तो ये हम इसके अंदर ही डाल देंगे ताकि ये नमक में अच्छे से गल जाए। और ये देखिए, ये हम अब इनको अच्छे से मिला देंगे और इसको 2 से 3 दिन के लिए अच्छे से ढक के रख देंगे। और दिन में 2 से 3 बार इसको इस तरह से उछालेंगे ताकि नमक का पानी ऊपर नीचे होता रहे। तो इसको हम 2 से 3 दिन तक रख देंगे। तो ये नमक के पानी में अच्छे से गल जाएंगे और नमक का पानी बाद में हम बाहर निकाल देंगे, जिससे कि अचार हमारा ख़राब नहीं होगा। तो हम इसको अब रख देते हैं। अब देखिए, ये हमने इसको अच्छे से उछाल दिया था। तो ये नमक और हल्दी इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसको ढक के रख देंगे और इसको 3 दिन के बाद देखते हैं। ये देखिए, इसको 3 दिन हो गए। अब हम इसमें छोले को देखते हैं। ये देखिए, इस छोले को दबाते तो ये अच्छे से गल गए और कैरी भी अच्छे से गल गई है। अब हम इसे छलनी की हेल्प से इसमें जो पानी है उसको बाहर निकाल देंगे और कैरियों को सुखा लेंगे इसमें। तो ये हमने ये सारी कैरी डाल दी है, जिससे जो भी नमक का पानी था वो सारा नीचे निकल जाएगा और ये कैरियाँ सूखी हो जाएंगी। हल्दी और नमक का पानी बाहर निकल गया और ये कैरियों ने नमक को सोख लिया। तो ये नमकीन अच्छे से हो गई है। अब हम इनको एक चुन्नी के ऊपर अच्छे से सुखा देंगे और 5 से 6 घंटे तक इसको अच्छे से सूखने देंगे, ताकि जो भी इस पे थोड़ा बहुत भी पानी है वो सारा सूख जाए और ये बिल्कुल सूखी हो जानी चाहिए। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। और अब देखिए, हम ये मसाला बना लेते हैं। तो ये हमने मेथी ली है, मेथी को हल्का सा पीस लिया है। ये हमने पीली सरसों ली है। पीली सरसों किसी के पास नहीं हो तो राई भी ले सकते हैं। तो इसको पीस लिया है और सौंफ को भी हल्का सा पीस के इसमें कलौंजी डाल दी और इन सबको अच्छे से मिला लिया है। जो नॉर्मल मसाला होता है उसी की तरह ले लिया है। और हम इसमें 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। आपको जितना तीखा पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग इसमें लाल मिर्च डाल सकते हैं। और नमक और हल्दी तो हमने पहले ही डाल दी थी तो उसकी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हमने हींग डाल दिया है ताकि अच्छी खुशबू आए। अब हम इसको मिला लेंगे और इसमें देखिए थोड़ा सा तेल डालेंगे हम ज़्यादा तेल हमको डालना नहीं है। हमने बस थोड़ा सा तेल लिया है ताकि बस ये मसाला थोड़ा सा कैरियों के ऊपर चिपक जाए। बस हमको इतना ही तेल लेना है। तो ये देखिए, हमने बिल्कुल 2 चम्मच भी तेल नहीं लिया है और बस मसाला हल्का सा गीला हो जाए, बस इतना ही तेल लिया। और इसमें कैरी डाल के, ये हमने कैरी को और छोले को इसमें डाल के अच्छे से अचार के मसाले में मिला लेंगे ताकि सारी कैरियों और छोलों के ऊपर ये मसाला लग जाए। अब हम इसको एक जार में डाल लेंगे। आपको प्लास्टिक का जार लेना तो उसमें, नहीं तो कांच में किसी चीज़ के जार में भी आप इसको स्टोर कर सकते हो। और इसको बिल्कुल अच्छे से टाइटली नीचे दबा देंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी एयर बबल्स नहीं बचे। और इस पर थोड़ा सा हल्का सा बस तेल डाल देंगे और इसे ढक के रख देंगे। तो ये अचार हमारा कभी भी ख़राब नहीं होएगा। ये देखिए, इस अचार को 7 से 8 दिन हो गए हैं और ये अच्छे से बन गया। अब खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको मैं आपको कटोरी में निकाल के दिखाती हूँ कि ये कितना सही बन गया है। और ये देखिए, बिल्कुल बन के रेडी हो गया है अचार।
अब इसमें और तेल डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और बिना तेल के भी अचार कभी खराब नहीं होएगा। इसको हम 2 से 3 साल तक भी आराम से खा सकते हैं। ये देखिए छोले भी अच्छे से बन गए हैं। अब मैं आपको हमारा पहले जो मैंने 1 से 1.5 महीने पहले जो अचार डाला था वो दिखाती हूँ। हमने उसमें भी बिल्कुल तेल यूज़ नहीं किया था और वो अभी बिल्कुल अच्छे से बन के रेडी हो गया है। ये देखिए जी, ये वो अचार है जिसका मैंने वीडियो पहले डाला हुआ है। तो देखिए इसमें अभी भी हमने बिल्कुल भी तेल नहीं डाला है और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉच, लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।